अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रूट का मीठा बनाएंगे। उसके लिए मैंने पहले मौज़ को काटा है, फिर ऑरेंज काटा है, फिर अनार काटा है, फिर एप्पल काटा है। इसको बारीक बारीक काट लिया मैंने चार चीज़ों को, और कीवी को मिनंडी लेना, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और अनार की कट जैसी पटकना। और ये आधा लीटर दूध है, इसके अंदर मैंने टीस्पून से 8 चम्मचे शक्कर डाला है, टीस्पून से। अब मैं इसको इसमें मिलाकर अच्छे से घुमा लूँगी। पहले मौस डालना है, मौस है याले मुंडी मुंडू। मौस को अच्छा शेप, अच्छे से उसको चमचे से उसको अच्छे से हिला करके, और दूध को अच्छे से पकने देना है। अच्छे से घुमा के फिर इसके अंदर एप्पल डालेंगे। ये बाकी बचा हुआ मौस है। मौस और एप्पल को अच्छे से हम अच्छे हिला करके फोड़ेंगे, क्योंकि वो दोनों ही असल रहते। उन दोनों को अच्छे से फुल फ्राई वो करना है, मिलाना है इसको। फिर उसके बाद मैं ऑरेंज डालूंगी। फिर मैं अनार डालूंगी और एक इलायची डाल करके इसको अच्छे से मिलाऊंगी। जितना अच्छा मिलेगा ये, उतना अच्छा फ्रूट का मीठा बनेगा। देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है। माउस जब रहता ना फर्स्ट अपन ऐसा मार लेना है। देखिए देखने में कितना लजीज और कितना टेस्टी दिख रहा है। मैं इसमें पाउडर, कस्टर्ड पाउडर वो वगैरह कुछ नहीं मिलाई मैं, ऐसे ही बहुत टेस्टी रहता है ये। आप प्लीज़ ट्राई करिए एक बार। इसको अच्छे से 5 मिनट्स तक अच्छा मार के मीठा बनाना है। अब हम इसमें कीवी डालेंगे। एक दो कीवी रखेंगे और थोड़ा अनार रखेंगे, और फिर ये भी कीवी डाल देके इसको अच्छे से फोड़ेंगे। एक 2 मिनट्स 5 मिनट्स इसको अच्छे से सब मिला करके फोड़ेंगे। देखिए कितना अच्छा है ये। मैंने दूध को उबाल के फिर ठंडा किया है फ्रिज में, फिर अच्छे से इसको फोड़ करके, जब ये जब तक पूरे मौस घुल ना जाए जब तक मारना है इसको। खाने के बाद में मीठा खाना ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैं फ्रूट का मीठा बना रही हूँ। शक्कर मैंने दूध उबलते वक्त नहीं डाल लिया है।
देखिए मैंने इसे 10 मिनट्स तक ऐसे ही मारते रहा है, इसलिए बहुत लजीज और बहुत टेस्टी बना है ये मीठा फ्रूट का। 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही मारना है। देखिए कितना अच्छा फूट चुका है ये। अब मैं इसको बॉल्स में निकाल लूँगी। मीठा खाने का मन करता है तो घर में ही ला करके बना लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी है। और दूध उबलते वक्त में मैंने डाला है शुगर इसमें, माशाल्लाह खाने में बहुत टेस्टी है ये। आप लोग ज़रूर इसे बनाइए, आप ज़रूर ट्राई करिए और शेयर करना मत भूलिए प्लीज़। और कमेंट में कमेंट बॉक्स में लिखिए। और नैन इधि तेलुगुलो चेप्तुन्ना हिंदीलो चेप्तुन्ना మొత్తం చేసి ఇంట్లో చేసిన ఫ్రూట్ మీఠా చాలా మంచిగా ఉంటుంది, మీరు తింటే చాలా ఇంకొకసారి చేస్తారు. ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి స్వీట్ కావాలి అంటే ఇదే చేసి ఇవ్వాలి, స్వీట్ తినకూడదు. మీఠా మిఠాయి జో హోతి హే వో ఖానా నహీ చాహియే ఉస్సే బీమారియాన్ హోతే యే ఘర్ పర్ బనాకర్ యే మీఠా ఖానా హే. దేఖియే కితనా దేఖనే మే కితనా టేస్టీ దిఖ్ రహా హే తో ఖానే మే కితనా టేస్ట్ హోగా మాషాల్లాహ్.